विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निदान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्ते पूर्णानन्ददया दृशाविशदया सत्स्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनोमोदाय निःखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पत्तया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु। भवभूति उत्तररामचरित संतों का एक लक्षण बताने चर्चा प्रिय प्राय वृत्ति विनय मधुरो वाचि प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीत परिचय पुरो वा पश्चाद् वा तदिदमभिपर्यासितरसम् रहस्यं साधूना निरुपति विशुद्धजय। साधु की वृत्ति क्या तो प्रिय प्राय सीधी बात कहें प्रिय प्राय सबके लिए प्यार। ये नहीं देखता कि सामने कौन उसके हृदय की वृत्ति हमेशा स्वीति से तृप्ति से भरी रहती है। प्रीणाती किसी प्रिय जो सबको तृप्ति दे जो आवे सामने उसको मुस्कुरा कर देख शांति बिखेर दे मुस्कुराहट न दे तो शांति को दे उसको देख करके शांति आ जाए। प्रिय प्राय वृत्ति अपने आप में तृप्ति वृत्ति माने उसकी रहती वो कैसी हो किसी के लिए दुखदायी ना हो सबके लिए प्यारी। प्रिय प्राय वृत्ति उसकी वृत्ति में अपना प्रियतम जो है श्याम सुंदर मुरली मनोहर गौरी शंकर सीताराम लक्ष्मी नारायण प्रिय प्राय वृत्ति उसकी वृत्ति में प्राय अपने प्रियतम और उसकी जीविका सबके लिए प्यारी और उसकी वृत्ति रहनी सबको प्यार देते विनय मधुरा विनय की मिठास हर समय मधु क्षरण करता रहता मधु एव मधुर मधु राति इतिवा मधुरा विनय मधुरा विनय का माधुर्य उसके ये हस्तिनापुर जो है ना जो विष्ठिर का राज ये नय मधुर है नय मधुर और सीताराम चंद्र का जो राज्य है जो क्या वो विनय मधुर और द्वारका जी जो है वो परिणय मधुर है विवाहे विवाह और ब्रजभूमि जो है ये प्रणय मधुर है प्रणय
विनय मधुर, नय मधुर, विनय मधुर, परिणय मधुर, प्रणय मधुर, विनय मधुर। संत की वाणी कैसी है? पांच नियमा, वाणी पर रोक लगी हुई है। ये बोलो, ये सत बोलो, सोच विचार करो, वाच नियमा। प्रकृत्या कल्याणी मते, स्वभाव से दूसरों का लाभ हो, कल्याणमयी वृत्ति है, सबका भला, सबका भला, सर्वे सुखिन संति, सर्वे संतिभ्या। अनवगीत परिचय, उनके पास, उनके परिचय में जो लोग होते हैं वो भी प्रायः अनिंदित होते हैं। परिचय में कहीं दोष दृष्टि है, निंदित नहीं। पूर्वा पश्चात वा तदिदम अभिपर्यासितरसम, पहले पहल मिले तो, आखिरी बार मिले तो, बीच में मिले तो, है? उनका जो रस है उसमें विपर्यास नहीं होता। ये नहीं कि मीठा कड़वा हो गया, कड़वा मीठा हो गया, और दही दही का मटके का पीतल से संयोग हो जाए तो वो कड़वा हो जाता है, कभी उनका रस कभी नहीं बिगड़ता। एक रस रहस्यम साधु नाम निरूपधि विशुद्धम विजयते, ये साधुओं के जीवन का रहस्य है। निश्चल निष्कपट विशुद्ध विजय सर्वोत्कर्ष वर्तते, यही जीवन का उत्कृष्ट श्री रूप गोस्वामी ने अप्रेक्ष्य क्रममात्मनो विदधति प्रीतिया परेशान प्रिय। अपने परिश्रम की ओर न देखकर, अपनी थकान को न देखकर बड़े प्रेम से दूसरों का प्रिय करते। लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निज स्त्रोत्रानुबंधा, अपनी प्रशंसा सुन के शर्म आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पाप हो रहा। रूप विद्या वित्त कुलादिभिश्च जदमी यांतिक क्रमान नम्रता, जितनी अधिक विद्या हो, जितना धन हो, जितना ऊंचा कुल हो, उतनी नम्रता आती है। यांतिक क्रमान नम्रता, रम्या काप सतामयम विजयते, नैसर्गिकी प्रक्रिया। ये संत का नैसर्गिक निसर्ग है, स्वभाव है। जैसे सूर्य के सामने आओ प्रकाश ले लो, चंद्रमा के सामने आओ चांदनी ले लो, संत के सामने आओ सद्भाव लेके चले। ये जो वेदांत में भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, एक तो सिद्धांत ले संग्रह, उसमें विविध प्रक्रियाओं का संग्रह। उसमें एक प्रक्रिया ये है, ब्रह्म ही जगत का उपादान। माया नहीं, अविद्या नहीं, ब्रह्म ही उपादान। और अविद्या जो है ये निमित्त का है, निमित्तता है अविद्या में और उपादानता है ब्रह्म में। अरे मेरे बाप, बात तो उलट गई। नैयायिक लोग तो मानते हैं परमाणु हैं, जड़ हैं, ये उपादान है, ईश्वर चेतन कारण है, सब भक्त भी ऐसे ही मानते हैं, सब वैष्णव सहित शाक्त ऐसे ही मानते हैं,
परमात्मा का निमित्त कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, बहुत बहुत परिणामी है, विवर्ती है। अब देखो इस मत के अनुसार हम आपको एक बार ये जितना ये प्रपंच है इसका उपादान है और अविद्या के निमित्त से ये अनेक रूप मालूम पड़ता है। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो उपादान रूप होने के कारण अपने कार्य में सर्वत्र अनुगत है। अब इस दृष्टि से देखो धर्म का निश्चय, सामान्य धर्म का निश्चय इसी से, सामान्य धर्म का ये फार्मूला है, ये गुर क्या गुर है। देखो सब में सद्भाव सत, तो क्या होना चाहिए सत माने अस्तिता, अस्तिभा, अस्ति इति सत, जो है उसको सत। परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, अस्ति से वो पदार्थ दिया, अस्ति रूप से परमात्मा की उपलब्धि होती है। उपलब्धि माने प्राप्ति, मिलना, तत्वभाव। नास्ति ब्रह्म असत ब्रह्मेति चेत वेद स्वयमेव भवेद असन, यदि कोई ब्रह्म को असत जाने तो स्वयं असत हो जाएगा। ये संत होने की प्रणाली है। तो सद्भाव माने अविनाशी जीवन, इससे धर्म क्या निकला, अपने विनाश के लिए तो करो तुम अविनाशी हो, भय छोड़ दो, मृत्यु नहीं है। साधो हम मरते हैं, पलटू हम मरते हैं, साधो करो विचार, साधो करो विचार, मैं करता के करता। एक तो मरने से स्वयं मत करो, मृत्यु अपनी है नहीं। आप ध्यान में रखो आज तक तुम कभी मरे हो कि नहीं, आज तक अगर कभी मर गए होते तो आज होते ही नहीं। आज वो ये इस बात का प्रमाण है कि अब तक तुम कभी नहीं मरे हो, इसलिए मरने की कल्पना करके डरते हो और ये भय जो है ये तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। अभयम प्रतिष्ठान निर्मते अभयम अभय जनक प्रार्थना, अभयम तत्व संशुद्धि दैवी संपत्ति में अभय निर्भय। और दूसरी बात ये निकली कि दूसरे किसी को का भय मत डराओ, डराओ और न मरने को डरो न मरने को डराओ, और जीवन सद्भाव, सबको सद्भाव दो। क्या सद्भाव, रहने की जगह चाहिए सबको, कपड़ा चाहिए, अनाज चाहिए, दवा चाहिए, ये सब स्वरूप अनुगत है। इसमें अस्तित्व के जितने साधन हैं, मकान देना, भोजन देना, वस्त्र देना, औषधि देना, ये सब क्या धर्म है, वो ये सद्भाव के अनुसार दो धर्म। मरने को डरो मत, मरने को डराओ, स्वयं जीवो सत हो तुम और दूसरे को भी जिलाओ। ये चार कला भी सद्भाव रूप धर्म है, ये उपादान की प्रधानता से। और जो विशेष धर्म होता है वो निमित्त की प्रधानता से है, विद्या विद्या। अब देखो दूसरी कला, देखो तुम्हारे अंदर चित कला, तुम जानते हो। यहां तक कि इतनी देर तक मैंने कुछ नहीं जाना, ये बात सुषुप्ति में मूर्छा में भी जब तुम वहां से उठते हो तो कहते हो इतनी देर तक मैंने कुछ नहीं जाना, माने न जानने का ज्ञान रहा। तभी तो याद होती है, याद कहां से होगी। तो आपका स्वरूप है चेतन,
इसलिए खुद बेवकूफ बनता है। ये चेतन स्वरूप के विपरीत है वो। नतम विदात जय मां जगाना, जिसने ये विश्व सृष्टि की है उसको तुम नहीं जानते हो। अन्य युष्माकम अंतरम बभुव, ऋग्वेद का मंत्र है, उसके और तुम्हारे बीच में एक दूसरी ही चीज आके घुस गई है। निहारेण प्रावृता जल क्या, एक कुहरा तुम्हारे सामने कुहासा छा गया है। निहारेण प्रावृता जल क्या, बकवादी हो गए। असुत्रिपा उक्तसासस चरन्ति, केवल इंद्रियों की तृप्ति में लग गए, केवल केवल काम धंधे के पचड़े में फंस गए हो। उस परमेश्वर को नहीं जानते हो जिसने इस विश्व सृष्टि को प्रकट किया है। न तम विदा कर ज इमा जाना, अन्य परम लोग खुद बेवकूफ बन गए। तो ये चेतन स्वरूप जो है वो उसके विपरीत धर्म हुआ कि हम देख देख के देख देख के देख देख के मानी मानी बंधन में आए। तो खुद बेवकूफ बनो और दूसरे को बेवकूफ बनाओ, ठगो मत। ये धर्म, ये धर्म है। दूसरे को धोखा मत दो, ठगो मत और स्वयं ठगे मत जाओ, संसार के धोखे में मत। और स्वयं जानो और दूसरों को जानने की सुविधा दो। जिज्ञासा आत्मधर्म है, अपना धर्म है जिज्ञासा। सत्य को जानो, जानने का प्रयास। संत के पास जाओ, पाठशाला में जाओ, स्वाध्याय करो और दूसरे को भी जानने का साधन है। उनके लिए विद्यालय चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सत्संग चाहिए। बड़ों के पास जाकर जानो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त भरा निबोधत सूरस्य धारा निशिता पुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन। बड़ों के पास जा, उठो जागो, बड़ों के पास जाकर जानो। उत्तिष्ठत्वम जागृतम अग्निवेच्छत्वम भारताः, उठो जागो, प्रकाश का आवाहन करो, ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान दो, और अज्ञानी मत बनो और अज्ञानी मत बनाओ। ये चार कला चेतन की। अच्छा, आनंद की देखो, परमात्मा ब्रह्म आनंद सच्चिदानंद ज्ञान, आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना, आनंद ही ब्रह्म है। तो स्वयं दुखी होना ये अपराध, सबसे बड़ा अपराध है। अनात्मगत दुख को अपने ऊपर आरोपित करके दुखी होना, दुष्टम था, हृदयाकाश दूषित हो गया, उसमें क्रोध की आग लग गई, उसमें काम का तूफान चलने लगा, झंझावात काम का तूफान आ गया, और उसमें लोभ की बाढ़ आ गई। दुष्टम काम कम हृदयाकाश, कम हृदयाकाश दूषित हो गए और उस वाले तुम बन गए। हम दुखी, मैं दुखी, ये तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, न ब्रह्म के अनुरूप है, न आत्मा के अनुरूप है। आनंद भाव की अनुगति देखो, तुम सुख स्वरूप हो। रसम जीवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, रस को प्राप्त करो आनंद। तो स्वयं दुखी होना भी पाप है और दूसरे को दुखी करना भी पाप है, और स्वयं सुख में रहना और दूसरे को सुख देना। तो वेद का मतलब यह नहीं है कि देखो अर्थ से भी सुख मिलता है, अर्थ से सुख मिलता है,
काम से सुख मिलता है, धर्म से सुख मिलता है, त्याग से मोक्ष से सुख मिलता है। ये चार पुरुषार्थ, ये बाबा जी लोग तो एक ही पुरुषार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, मोक्ष परम पुरुषार्थ। ठीक है भाई, मोक्ष परम है, इसमें क्या शंका है? परम तो है ही है, वो परम है, वो चरम है, वो आत्मा का स्वरूप है ना? लेकिन अर्थ धर्म काम पुरुषार्थ ही नहीं है, उनके पुरुषार्थत्व का ही निषेध कर देना ये तो अवैधिक है। वेद चारों पुरुषार्थ का वर्णन करता है, तो देखो उसमें क्या क्या आता है। ये उपवेद जो है हमारे, वो सब हमारे व्यावहारिक जीवन को सुखी करते हैं। स्थापत्य वेद, शिल्प वेद, कारीगरी, बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, आयुर्वेद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद शत्रु से और लड़ने के लिए धनुर्वेद, मर्म वेद, स्वराष्ट्र में परराष्ट्र में कहीं उपद्रव हो रहा हो तो धनुर्वेद का भी उपयोग करो। बाबा जी सब लोग बाबा जी बने, राम राम सबको साधु बना दोगे तो रोटी कहाँ मिलेगी खाने में, भिक्षा कहाँ से लोगे? आखिर तुम भिक्षा के लिए उसे ही तो लेना पड़ेगा ना। चारों पुरुषार्थ लोगों के बाहर, घर में, बाहर तिजोरी में, बैंक में खूब धन रहे, उनके मनोरथ में जो इच्छाएं, मनोरथ जो है, इच्छाएं जो मन में है वो पूरी हो, बुद्धि के द्वारा वो नियंत्रित रखे। बुद्धि में धर्म, विज्ञानम यज्ञम करोगे, बुद्धि में धर्म है। मोक्ष आत्मा का स्वरूप है, जब वैराग्य होए तो जिज्ञासु बनो, लो मोक्ष। तो ये जो हमारे आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद और गांधर्व वेद हो, उसी को लिए, उसी के लिए तो मैंने गांधर्व, नाचो गाओ बजाओ, ये गांधर्व वेद हो, नृत्य वाद्य संगीत नाटक अभिनय, ये चारों उसके अंग हैं गांधर्व वेद के। तो सुखी रहो और सुखी करो, दुखी मत हो और दुखी मत करो, ये आनंद की चार कला है। ब्रह्म उपादान है और सब में अंगत है, सबको दुख से छूटने का, सुखी होने का अधिकार है, सबको मूर्खता मिटा करके जानकार होने का अधिकार है, और सबको दुख मिटाकर आनंदी होने का अधिकार है। और एक और, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में भेद नहीं है, इसलिए टूटो मत, फोड़ो मत, भेद बुद्धि उत्पन्न मत करो, समाज को संगठित रहने दो। समम अजंती यत्र, जिसमें सब लोग एक साथ उन्नति करें, सबको सुख सुविधा मिले, उसका नाम समाज है। सबको सुख सुविधा प्राप्त हो, अलग मत हो जाओ, अलग ब्रेड चावल की खिचड़ी अपनी अलग मत बना, और दूसरों को अलग मत, मिल के रहो, मिला के रहो, अभेद का अर्थ है व्यवहार में, अभेद का अर्थ है मिल के रहो, मिला के रहो, संगच्छत्वम संबदत्वम, वेद भगवान की आज्ञाएं, संगच्छत्वम संबदत्वम संबो मनांसी जानता, एक कदम से कदम मिलाकर करो, आवाज से आवाज, स्वर से स्वर मिलाकर करो, और मन से मन मिलाकर सोचो। सहृदयम साम्मनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वः, ये जनपद सूत्र है, अथर्ववेद का जनपद सूत्र इसको बोलते हैं। जब सभा जुड़े तो उसमें सभा का जो सदस्य पति है वो लोगों को इस मंत्र से अभिमंत्रित करे, मैं तुम लोगों का हृदय एक साथ मिलाता हूँ, तुम लोगों के मन में अच्छी अच्छी बातें रहें, अविद्वेषं कृणोमि वः, आप लोगों में कभी फूट न पड़े, एक रस। तो 16 कला, चार कला सत की, चार कला चित्त की, चार कला अहंकार की और चार कला अभेद की, ये 16 करो धर्म।
तत्व प्राधान्यात सामान्य धर्म, तत्व की प्रधानता से ये सामान्य धर्म, सामान्य धर्म सबके लिए। ये ऐसे अंतसंत नहीं होता, इसका ढंग होता है। जैसे आप देखो अपने जीवन में दोष है क्या है, क्रोध आता है तो हम हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो क्रोध को दबाने के लिए हमारे जीवन में अहिंसा चाहिए, काम को दबाने के लिए हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य चाहिए, और लोभ को दबाने के लिए दो चाहिए। काम को दबाने के लिए एक ब्रह्मचर्य पर्याप्त, और क्रोध को दबाने के लिए अहिंसा पर्याप्त, लेकिन लोभ को, क्योंकि लाभात लोभा प्रवर्तते, लाभ से लोभ और बढ़ता है, तो दो ओर से दो, एक एक चोर पर दो पहरेदार चले, वो क्या है अस्ते और अपरिग्रह, दूसरे के हक का उसकी अनुमति के बिना लेना नहीं, और अपने हक का भी अपने पास ज्यादा हो तो उसको रखना नहीं, अपरिग्रह, अपना मान के बहुत संग्रह नहीं करना, और पराये का तो बिल्कुल लेना ही नहीं, तो लोभ के लिए दो। परंतु ये सब होने चाहिए सत्य के आधार पर, सबका मूल जो है वो सत्य है, सत्य। जब आदमी ये सोचने लगता है कि यहां हमारा काम सत्य बोलने से नहीं चलेगा, धर्म करने से नहीं चलेगा, असत्य से हमारा काम चलेगा, अधर्म से हमारा काम हो जाएगा, तब उसके अंदर देखो आपको क्रोध आता हो, मोह हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा, क्रोध के समय मालूम पड़ेगा कि इसको दंड देना आवश्यक है, थोड़ी देर के बाद अच्छा हो गया, मैं चुप गया, चुप हो गया। अच्छा, हमारे मन का हो दूसरे के मन का न हो, ऐसा जब सोचोगे तो जब दूसरा आदमी तुम्हारे मन का नहीं करेगा तब उसके ऊपर क्रोध आवेगा, तो तुम क्या परमेश्वर हो कि तुम्हारे मन का हो, अरे दूसरे के अंदर भी तो मन है, वो भी तो अपने मन का करेगा, अपने मन का बोलेगा, अपने मन का सोचेगा, है ना। तो हमारा ही मन सबके ऊपर चले, ऐसे जो हिटलर शाही करते हैं लोग, हाँ उनको क्रोध ज्यादा आता है, हमारे मन का कामात क्रोध हो जाए, ये काम है इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है, इसलिए अपने मन में जो बात आती है उसका इतना आग्रह न करे कि मन में आग जल जाए। ये क्रोध तो आग है, आश्रयात है, जिस लकड़ी में आग लगती है उसको जलाती है, तो क्रोध अगर तुम्हारे हृदय में जलेगा तो तुम्हारे हृदय को पहले जलावेगा, चिंगारी दूसरे के ऊपर पड़ेगी, इसलिए अपने दिल को तो मत जलाओ। रोज प्रातः काल उठ के प्रतिज्ञा भगवान का स्मरण किया, प्रतिज्ञा की भगवान का चरण छू के, अब 24 घंटे हम क्रोध को अपने मन में नहीं आने देंगे, क्रोध नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, घी का घड़ा फरक जाए लेकिन हम क्रोध नहीं करेंगे। 24 घंटे के लिए भगवान के चरण का स्पर्श करके प्रतिज्ञा कर लो, दूसरे दिन फिर करना, तीसरे दिन फिर कर लो, शाम को देख लो कि आया कि नहीं आया, आया हो तो पछता लो, भगवान का नाम जप कर लो, प्रायश्चित कर लो, आज तो आ गया तो आ गया, कल नहीं करेंगे, जुर्माना कर लो। एक बार क्रोध से कोई बात बोल देंगे या कर देंगे कोई काम तो 3 दिन तक नमक नहीं खाएंगे, और देखो क्रोध के समय नमक की याद आ जाएगी और क्रोध भूल जाएगी। 10 रुपया उठा के किसी गरीब को देंगे, एक बार क्रोध आएगा तो देखो रुपये का मोह क्रोध को रोक देगा। भगवान के नाम का जप करो, ये सब जो है इनके ढंग होते हैं, कायदे से इनको दूर किया जाता है। भगवान के सौंदर्य माधुर्य जी का ध्यान करो, काम अपने काशी वाले बोलते हैं रे कंदर्प
करम कदर्थयसि किम कोदंडटंकार वैहि। जो धनुष पर टंकार करता है काम मुझे पराजित करने के लिए, चेतस्तुम्बित चंद्रचूड चरण ध्यान अमृतम वर्तते। हमारा जो चित्त है वो चंद्रचूड के चरणामृत के ध्यान, चंद्रचूड के चरणामृत का चुंबन कर रहा है, ध्यानामृत का चुंबन कर रहा है। वो अमृत जिसको आ रहा है उसमें वृत्ति की आग कहाँ से, काम की काम की गला कहाँ से, वहाँ काम की दाल कहाँ से वहाँ गलेगी। और तो व्यवहार में दूसरों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं उसमें चाहिए है यम, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें चाहिए नियम, तपस्या, शौच, स्वाध्याय, संतोष, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणाम, उसमें चाहिए थोड़ा तपस्या करने का अभ्यास, तकलीफ सह ले। ये ताप कला जो है ना, ये ताप कला महाराज एक बार विदेश चला गया, तो विदेश का ताप कला शब्द, ताप कला शब्द गया विदेश, तो वहां से बेचारा तकलीफ होके लौटा। बदल जाता है ना भाई, संस्कार बदल जाते हैं ना, मन बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, रानी बदल जाती है। तो ताप कला गया विदेश यात्रा करने और वहां से तकलीफ बन के लौट आया। ये जो है ताप कला सहने का अभ्यास, तपस्या, पवित्रता, पवित्रता, शौचाद स्वांग जुगुप्सा सर्ग स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणधान, ये व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का जाप, ईश्वर के प्रति सर्व कर्मार्पण, ईश्वर के ईश्वर का ध्यान, ये चाहिए व्यक्तिगत जीवन में, ये चाहिए। सार्वजनिक जीवन में सत्य अहिंसा अस्ते और व्यक्तिगत जीवन में तपस्या, शौच, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणधान। अब देखो और निकट आओ, यम है फैला हुआ और नियम है व्यक्ति, आसन आ गया शरीर सिद्धासन से, पद्मासन से, वीरासन से, निवृत्ति हुई हो, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, निरोध है सार्वजनिक व्यवहार का निरोध यम के द्वारा, व्यक्तिगत व्यवहार का निरोध नियम के द्वारा, शरीर का निरोध जो है वो आसन के द्वारा, वीरासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, स्वस्तिकासन है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि 3 घंटे अगर कोई बिना हिले बैठने का अभ्यास कर ले तो साधनांतर के बिना ही जीवन में समाधि आ जाएगी, बिना पलक के नहीं। तन फिर, मन फिर, नैन फिर, सुरत निरत फिर होए, कहे कबीर वा पलक को गलत न पावे। अब देखो शरीर की स्थिरता के बाद प्राण की स्थिरता और अंतरंग हो गया, शरीर से अंतरंग प्राण, प्राण की स्थिरता, उसमें ज्यादा भस्त्रिका और उज्जाई और सूर्य भेदी न करके पूरक चार प्रकार से होते हैं, केवल साधारण प्राणायाम। अब देखो इस अब चले ज्ञान पर, तो इंद्रियां जो है अपने गोलक में ज्यो की त्यों इंद्रियों की स्थिरता, प्राण की अपेक्षा इंद्रियां। फिर क्या, देश बंध, मन को एक स्थान में बांध दिया। देखो वृंदावन के बाहर की कोई बात नहीं सोचेंगे, ये धारणा है, इस मंदिर के बाहर की कोई बात नहीं सोचेंगे, ये धारणा है, शरीर के बाहर की कोई बात नहीं सोचे, जिसका नाम धारणा है। देश, देश में मन को बांधना धारणा, और काल में मन को बांधना ध्यान प्रत्येक, और
आत्म वस्तु में मन को बांधना, वस्तु में मन को बांधना समाधि है। और ये आठों योग के अंग हैं, ये योग के अंग हैं आठ, समाधि योग नहीं है, समाधि योग का अंग है। योग क्या है? तो चित्त वृत्ति का निरोध होने पर जो दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान है, देखो वो दृष्टा हो या आत्मा हो गया, तो समाधि में केवल तत्व वस्तु है, मूल वस्तु है। तो ध्यान में काल है, धारणा में देश है, प्रत्याहार में इंद्रियां अपने स्वरूप में है, प्राणायाम में प्राण स्थिर है, आसन में शरीर स्थिर है, नियम में शरीर का व्यवहार नियंत्रित है, यम में सार्वजनिक व्यवहार है, और दृष्टा। अब ये क्रम हो गया, सार्वजनिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, शरीर की स्थिरता, प्राण की स्थिरता, इंद्रियों की स्थिरता है, मन का देश बंध, और तदाकार बारंबार तत्र एकतानता, तत्र लक्ष्य एकतानता ध्यान, और वस्तु स्वरूप में स्थिति, ये समाधि। और इस निरोध का जो दृष्टा है वो चित्त वृत्ति से तादात्म्यपन्न हुए बिना, वृत्ति सारूप्य को प्राप्त हुए बिना अपने स्वरूप में बैठा है। अब योग दर्शन के मत से काल भी वृत्ति है, देश भी वृत्ति है, और दूसरे विषयों के आकार में वृत्ति है नहीं, तो दृष्टा किसका? ये उसके लिए ये प्रपंच बिल्कुल नहीं सा हो जाता है, और तदन्य साधारणत्वा, जो दूसरे लोग हैं उनको तो प्रपंच मालूम ही पड़ता रहता है, इसलिए उसके लिए ये परमार्थतः प्रपंच से वो मुक्त हो जाता है। परंतु उसका जो ब्रह्मत्व है वो वेदांत विद्या के द्वारा होता है।